चाहिए शिमर पेपर. इंग्रेडिएंट्स गोल्डन शिमर पेपर, 8 इंच चौड़ी लेस, आइसक्रीम स्टिक, थोड़े से गोल्डन सितारे, नेट कपड़ा एंड सुई और धागा, साटन रिबन. शूज बनाने के लिए हम सबसे पहले एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे, उस पर थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे जिस तरह से दिखाई दे. उसके बाद में कोई भी लेस लेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस कोने से इस कोने तक आपको सिलना है. ये शेप आ चुकी है. इसके बाद में आपका इस तरह से ये बन जाएगा. आप इसको ऐसे मोड़ दें. अब आप स्टिक लेंगे और इसका नाप निकालेंगे इस तरह से. नाप निकालने के बाद में इसको फिर से वापस उल्टा करेंगे. बाकी वेस्टेज को काट ये आपके सामने चुकी जूते की शेप आ चुकी है. ये हमने कंडे से बना के रखा है. यहाँ पे मैंने एक मोती अटैच किया है. इसको इस तरह से इस पर नाउ वी हैव टू मेक शेप ऑफ स्लिपर स्ट्रिप्स बाय रिबन. इस तरह से इसको अटैच कर देंगे. बनने के बाद में जूता आपका ऐसा होगा. यू कैन ऑल्सो डेकोरेट विद स्टार्स. अब मैं आपको स्लीपर बनाना बता रही हूँ. सबसे पहले आपको वही सबसे पहले फेविकोल लगाना है अच्छे से. इस तरह से आप हिला दें इसे. फिर कोई भी कपड़ा लें और उसको इस तरह से लगा दें. चिपकाने के बाद में जब पिछली बार हमने काटा था सेम वैसे ही काटना है. फर्स्ट टेक आइसक्रीम स्टिक, देन अप्लाई फेविकोल ऑन वन साइड ऑफ इट, देन स्टिक ब्लैक कलर क्लोथ एंड कट एक्स्ट्रा ऑफ इट. ये शेप आपके सामने आ जाएगी. इसके बाद भी जीरो साइज मैंने ये सैटन रिबन लिए. इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दें. Now we have to make shape of slipper strip by ribbon. अब नाप इसका थोड़ा सा नाप लेने के बाद में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगा दें. उसके बाद में आप चारों तरफ फेविकोल लगा दें. चिपकने में थोड़ा टाइम लगेगी. सूखने के बाद ये ऐसे दिखाई देगी. पूरी चप्पल बनने के बाद में आप इस तरह से इसे शोकेस में लगा सकते हैं और घर में सजा सकते हैं.